मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सही जानकारी देता हूं और सटीक जानकारी देता हूं। वीडियो लंबा होता है, होने दो, लेकिन आपको जानकारी तो मिलेगी। आप भटकेंगे तो नहीं, रिमेडिकल तो नहीं जाएंगे। यहां पर तो सिर्फ मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप रिमेडिकल चले गए, आपको जानकारी नहीं हुई, तो आप वहां 20-25 क्या महीनों भटकेंगे। तो वीडियो किसको स्किप मत करिएगा और वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों सभी एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कि नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों ने मेरा मेडिकल का वीडियो देखा होगा, और अब मैं जो आपको मेडिकल दिखाने वाला हूँ या आप देखने वाले हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस में जितने भी मेडिकल होते हैं उनमें से प्राइवेट मेडिकल में कौन कौन से पार्ट्स का चेक किया जाता है, यानी प्राइवेट पार्ट्स में कौन कौन सा मेडिकल आपका हो सकता है, उनके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आप, मैं जितनी सारी चीजें बताऊंगा और जिस एंगल से बताऊंगा और जिस माध्यम को लेकर बताऊंगा, वो सारे के सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बंदों को प्राइवेट पार्ट्स में दूसरों को दिखाने में, डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन आप वीडियो तो देख सकते हो। लेकिन मेरे नंबर हैं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके प्राइवेट पार्ट्स को चेक कर सकता हूं और बता भी सकता हूं कि आप मेडिकल फिट होंगे या अनफिट होंगे। क्योंकि मैं कई बार डिफेंस में मैंने भी अपना मेडिकल दिया है और कई अनुभवी डॉक्टरों से इसके बारे में जानकारी ली, इसीलिए मुझे नॉलेज है और मैं आपके प्राइवेट पार्ट्स को चेक कर सकता हूँ। तो आइए वीडियो में शुरू करते हैं, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी बहुत अच्छी होगी। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन जानकारी अच्छी होगी, और जानकारी के साथ साथ आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। ये आपकी बॉडी है पूरी, आप दिख रहे होंगे कि आप यहां से लेकर यहां तक का जो मेडिकल होता है वो इसी बॉडी में होता है, और आपकी बॉडी इस तरह की होती है। मैं सिर्फ बात करूंगा, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा यहां पर प्राइवेट मेडिकल के बारे में, सिर्फ इतने के बारे में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो जस्ट मेरे चैनल पर जाइएगा, ऊपर मेरा वीडियो है, वहां पर आप बॉडी के फुल मेडिकल के बारे में देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सही जानकारी देता हूं और सटीक जानकारी देता हूं। वीडियो लंबा होता है, होने दो, लेकिन आपको जानकारी तो मिलेगी। आप भटकेंगे तो नहीं, रिमेडिकल तो नहीं जाएंगे। यहां पर तो सिर्फ मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप रिमेडिकल चले गए, आपको जानकारी नहीं हुई, तो आप वहां 20-25 क्या महीनों भटकेंगे। तो वीडियो किसको स्किप मत करिएगा और वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आपका हाइड्रोसील का मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये आपका प्राइवेट पार्ट्स है। सबसे पहले मैं हाइड्रोसील की बात करूंगा। यहां पर अगर आपका हाइड्रोसील इस तरह का होगा, नॉर्मल होगा, तो ठीक है, ये नॉर्मल होगा आपका, ये वाला एरिया ठीक है। अभी पेनिस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इधर जब चलेंगे तो यहां पर ये एरिया थोड़ा आपका हाइड्रोसील वाला एरिया हो जाएगा, यानी आपको हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील में दिक्कत है, यहां पर पानी भर जाएगा, और पानी भरने के साथ साथ हल्का सा आपका शेप बदल जाएगा। ये है सेम, लेकिन शेप बदल जाएगा इस तरह का, ये नॉर्मल दिखेगा लेकिन ये वाला शेप बदल जाएगा यहां पर, ये वाला ये नॉर्मल है, और यहां पर ये इस तरह का ऊपर वो चढ़ जाएगा, वो पानी की तरह हो जाएगा, यानी पानी भर जाएगा तो वो थोड़ा हल्का आपको बड़ा दिखने लगेगा। आइए दूसरे क्लिप में भी देखता हूं मैं। ये हाइड्रोसिल, अभी जब आपका जो जब भी आप अपने हाथ से चेक करेंगे या किसी डॉक्टर को देखेंगे दिखाएंगे, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मांस का, यहां पर ये पानी भर रहा है, यहां से आके यहां पे, ये इस वाले एरिया में यही बड़ा दिखा। किसी किसी बंदे का ये वाला एरिया नीचे की तरफ लटक जाता है। आगे मैं क्लिप में और दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें, बने रहिएगा। ये एरिया अभी इसमें से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा
इसमें समझ में ये आ जाएगा कि आपका नॉर्मल कैसे होगा। नॉर्मल ये वाला एरिया होगा, बिल्कुल आपके पेनिस के साथ बराबर में होगा, और ये वाला एरिया यहां से अगर आपको हाइड्रोसील हो रहा है, हाइड्रोसील हो रहा है, ये आपकी जांघें हैं, ये वाली एरिया, ये वाला। अब ये बड़ा होगा आपको रनिंग करने में भी प्रॉब्लम करेगा और दिक्कतें होंगी आपको ज्यादा। तो ये वाला एरिया में पूरा ये देखो पानी भर गया पूरा यहाँ पे, और कुछ नहीं उस पर। यहाँ पर आपने कारण ये था कि आपने रनिंग के दौरान सपोर्टर का यूज नहीं किया, ठीक है, फ्रेंची नहीं पहनी, ठीक है, इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। आपने क्या किया कि आपने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, सपोर्टर फ्रेंची वगैरह कुछ नहीं लिया, और जब आप रनिंग करने लगे तो यहाँ पे दबाव होता गया, दबाव होता गया यहाँ पर, और दबाव होने के साथ साथ यहाँ से आपका यहाँ पर पानी उतर गया। यह दबाव होने के साथ साथ जब जांघों का दबाव हुआ, या किसी बाइक में बैठे या उसमें आपका थोड़ा प्रेशर गया, वहां से ये सूजन आई, सूजन के साथ साथ पानी भर गया, ठीक, ये ऐसा हो सकता है। आइए दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब मैं पेनिस की बात करूंगा आपके। अगर आपका जब आपका मेडिकल होता है तो हाइड्रोसील के साथ साथ आपका पेनिस भी चेक होता है। पेनिस का शेप, आपका पेनिस का शेप इस तरह का होना चाहिए। अगर आपका इस तरह का हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस तरह वाले एरिया को, इस तरह वाला मेडिकल में अनफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इस तरह का है तो ऑपरेशन के जरिए, यानी ऑपरेशन के जरिए आप इस तरह अपने पेनिस को कर सकते हैं, जो आपका मेडिकल अनफिट नहीं हो, ठीक। और एक चीज और इसमें बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहां पर आपका यूरिन निकलने की जगह होती है, रास्ता होता है, यहां से क्या होता है कि यहां से लेकर और यहां तक दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, यहां से, और यहां पर होल जो होता है, ये होल होता है जब पेन आपका ये वाला, यहां से एक ये रास्ता डिवाइड हो जाता है, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर ये बोल देता है कि आपके पेनिस में डबल छेद है, जब आपका यूरिन निकलता है तो इधर से और इधर से, तो डॉक्टर ये बोलता है कि आपका ये है। ये ऑपरेशन से सही हो सकता है, जैसे ये टेढ़ापन, ये टेढ़ापन इस तरह का सही हो सकता है, तब ये आपका जो डबल छेद वाला एरिया है, ये वाला डबल छेद वाला एरिया है, ये यहां से डिवाइड हो गया, ये हो गया, तो ये होल हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो ये ऑपरेशन इतने का होगा। सिर्फ इसमें से क्या होती है, जो आपकी चमड़ी होती है वो डिवाइड कर देती है आपके होल को, वही होता है पेनिस का डबल छेद। ऐसा नहीं होता है कि आपके यहां से दो नली चली गई या दो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, बस यहां से डिवाइड हो जाता है, वो आपकी कुछ गलतियों के कारण। तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे आप मेडिकल में इस तरह बच सकते हैं। आइए दूसरे में चलता हूं। ये आपका पेनिस हो गया, यहां पर नॉर्मल देखो, ये आपका तो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल दिख रहा है, ठीक, ये भी नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये आपका पेनिस टेढ़ा हो गया, जैसा कि मैंने पूरा आपको बता रखा है उस वाले पिक में, पहले वाले में ये टेढ़ा हो गया, इस तरह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अभी एक मेडिकल और होता है, छोटा कर लू, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। आपकी कैप का होता है, जब आपने कभी देखा होगा आपके पेनिस के ऊपर जो कैप होता है, अगर वो कैप खुलता और बंद नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस तरह आपका पेनिस खुल जाता है, इस तरह पीछे की तरफ हट जाता है, तो आपको मेडिकल अनफिट नहीं होंगे। अगर ये पूरी तरह खुलता नहीं है आपका, सिर्फ आपका नॉर्मल हल्का सा खुलता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। इन बारीकी चीजों को समझिए और जानिए कि प्राइवेट मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा और बहुत सारी चीजें आपको मैं और बताने वाला हूं। अगर आपका पेनिस इस तरह का होगा, अभी आपने यहां पर देखा होगा, नॉर्मली एक सिंपल भाषा में समझाता हूं, बहुत सारे बंदों कई चीजों में बताऊंगा आप लोगों को, वो नहीं समझ में आता, ये समझ आ जाएगा। यहां पर बिल्कुल सेफ अच्छा है, आपका पेनिस बिल्कुल सीधा है, यहां पर आपका जो हाइड्रोसील है वो भी, वो दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बराबर ही है,
वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि इस तरह का होगा और इस तरह का सेफ होगा, आप मेडिकल अनफिट नहीं होंगे, पूरी तरह आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। दूसरे में चलता हूं मैं, इस तरह का बहुत सारे बंदों को दिक्कतें होती हैं। देखिए यहां पर आपका ये जो पेनिस है ये भी टेढ़ापन है, ये नॉर्मल है, और यहां पर ये भी जो आपका हाइड्रोसील है ये बड़ा है, इस तरह का भी सेफ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब आप का हाइड्रोसील हो तो बहुत बड़ा हो जाए, नॉर्मल भी यहां पर सेफ इतना, और ये देखो हल्का सा बड़ा हुआ है, हल्का सा स्वेलिंग है यहां पर, ये भी सही हो जाएगा, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। अभी से आप चेक कराइए, अभी से ट्रीटमेंट करिए, मेडिकल देते देते आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और समझाने वाली बात है, यहां पर हाइड्रोसील की बात करेंगे, सॉरी यहां पर हाइड्रोसील की बात करेंगे, यहां पर बराबर है, वो आपको दिखने में लग रहा है ये बराबर है। एक कंडीशन और आ जाती है, कभी कभी आपके पेनिस में दाग और धब्बे दिख जाते हैं, पूरा दाग कटे फटे दाग धब्बे, वो भी नहीं होना चाहिए, आप डॉक्टर की सलाह से उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो सकता है, दाग धब्बे नहीं होंगे, कटा फटा नहीं होगा, जला नहीं होगा, उसमें व्हाइटपन का दाग नहीं होगा, ये व्हाइटपन के दाग हैं आपके, ये पेनिस में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये हर जगह हो जाते हैं ये पूरे, ठीक है, यहां से आता है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया गया। मैंने ये सारी चीज इसलिए है क्योंकि हमारे मेडिकल, आप जो मेडिकल मैं बता रहा हूं ये आप कहीं भी देख सकते हैं और किसी के साथ बैठकर देख सकते हैं, इसीलिए मैंने उन पिकों का यूज नहीं किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, इन पिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका पेनिस ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है और इस तरह का हो सकता है। यहां की बात करें, अब देखो बहुत नॉर्मल, किसी किसी का बिल्कुल नॉर्मल होता है, और जब डॉक्टर चेक करता है तो उसको यह समझ में आ जाता है कि आपका एक छोटा एक बड़ा है। यहां पर भी देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभी यहां से देख लो ये सेप, और इतना आपका जो हाइड्रोसील है ना इतना बढ़ रहा है, इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं, ठीक, जब अपने हाथों से चेक करते हैं तो वो लगता है कि हमें बड़ा है, तो इतना भी बड़ा, ये भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इलाज हो सकता है, आप डॉक्टर को दिखाइए, दवा देंगे, और ये हल्का सा पानी उतर रहा होता है, हल्का सा, ये पहला स्टेज होता है, पहले स्टेज से हो रहा होता है इसलिए इतना छोटा होता है, ये बराबर है पूरा, ये वाला आपका हाइड्रोसील बराबर है, लेकिन ये इतना इतना एरिया आपका बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये पेनिस आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, अगर हल्का सा भी टेढ़ापन होता है ना, हल्का सा तो चलता है, इतना तो हो ही सकता है नॉर्मल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हल्की सी प्रॉब्लम है इसमें। आइए आगे दिखाता हूं, किसी किसी बंदे का इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ये आपका पेनिस हो सकता है, किसी किसी बंदे का पेनिस बिल्कुल छोटा हो सकता है, ठीक है, इस तरह का नहीं, यहां भी हल्का सा बड़ा हुआ है, हल्का सा बड़ा हुआ है, इतना छोटा भी आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं, ठीक है, इससे ये होगा कि आपके पेनिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, तो समझ लीजिए अगर आपका ऐसा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए दिखाता हूं, यहां से मैं एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश ये कर रहा था कि ये जो जो आप मैंने पेनिस डिवाइड की बात की थी, ये आपका यूरिन निकलता है यहां से, यहीं से डिवाइड हो जाता है डबल छेद वाला एरिया, आप पिछले बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल समझा दिया था। आगे चलिए, अब आपके प्राइवेट पार्ट्स में एक मेडिकल और होता है, उसको बोलते हैं हार्निया। हार्निया की शिकायत अगर आपको होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, हार्निया आपका साइड में भी, हाइड्रोसील के साइड में भी हो सकता है, और आगे दिखाएंगे, वीडियो में बने रहो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से ब्लड आ सकता है, आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, ठीक है। आइए दिखाता हूँ, और आपका हार्निया यहाँ भी हो सकता है, आपका हर्निया यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और जस्ट आपका बिल्कुल प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी हो सकता है, ये यहां किनारे भी हो सकता है ये, तो अगर आपको है ऐसा तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं,
और ऑपरेशन कराते समय ध्यान रखिए कि किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ कराए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये एक मेडिकल और होता है, आपको बवासीर जैसी समस्याओं से मेडिकल में एडमिट हो सकते हैं। ये बवासीर है, ये आपका जहां से आप मल त्याग करते हैं वहां पर आपको ब्लड वगैरह जैसी शिकायतें हो सकती है, ये ब्लड जैसी शिकायतें हो सकती है। आगे मैं और बताता हूं, दिखाता हूं आपको। यहां पर ये बवासीर आप समझ सकते हैं पाइल्स जिसको बोलते हैं, यहां पर आपका क्या होगा कि यहां पे जख्म हो जाएगा आपका, यहां पे आपका जख्म हो जाएगा ये, और यहां का मांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर मैंने आपके प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल की फुल जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर नए हैं आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहे हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की तैयारी करनी है डिफेंस में जाने के लिए, तो पेपर से लेकर फिजिकल मेडिकल हर चीज़ की तैयारी ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।